हर पूरी आत्मा का एक इरादा होता है उसे तू ही ढूंढ सकता है जिनसे मैंने प्यार किया वो सब मुझसे मत नहीं पा वेल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉमेसन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम के आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर स्त्री टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फ़र्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद आ, 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्योरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम डोरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्योशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की

इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर थ्री टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फ़र्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद आ, 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही यह बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम ड्योरेन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्योेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर और किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जिसत्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवंबर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो तो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये तो सारी तो की सारी तो मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना क्यों बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़्याया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतब तबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही यह बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिल अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवम्बर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज़ देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी मूवी आप आप लोगों के सामने की गई है लोग इस को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजीली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवंबर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक आ, एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से देखा देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वेल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इंफॉमेसन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की

सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर थ्री टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर नेचुरल यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो हज़ार अठारह से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी एटीन में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फ़र्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ, साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली तो एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम डोरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्योेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिल अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वेल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉमेसन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे किसान सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर थ्री टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है थर्टी ऑफ अगस्त टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फ़र्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस तो लोग ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजीली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉमेसन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की

इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फ़र्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज ही एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों गो का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्योरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम ड्योरेन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्योशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी, अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है।, है या नहीं तो इन तमाम के बारे में जहां पर हम लोग सवाल वाले हैं है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टी टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जिसत्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवम्बर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट है एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी भो निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरत तबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिल अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवम्बर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज़ देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे, तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी मूवी आप आप लोगों के सामने की गई है लोग इस को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से देख देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वेल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम, 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 नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवंबर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप आप लोग एक चांस चांस देंगे तो लोगों का ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजीली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इंफॉमेसन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की

सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर थ्री टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है थर्टी ऑफ अगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फ़र्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद आ, 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट है एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी, अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिल अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वेल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉमेसन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की

सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर थ्री टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है थर्टी ऑफ अगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फ़र्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद आ, 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम डोरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्योेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वेल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की

इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर नेचुरल यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो हज़ार अठारह से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी एटीन में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्योरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम ड्योरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्योेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है।, है या नहीं तो इन तमाम के में जहां पर हम लोग हैं है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू तो के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जिसत्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवंबर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक तबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जिसत्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवम्बर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना क्यों बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरत तबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू तो के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवम्बर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज़ देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से देखा देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉमेसन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे किस सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर थ्री टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर नेचुरल यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो हज़ार अठारह से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी एटीन में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फ़र्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल ने यूनिवर्स ने का पार्ट है एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से देख देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिल अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इंफॉमेसन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की

सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर थ्री टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है थर्टी ऑफ अगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फ़र्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी और आप लोगों को उसके बाद 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्योरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्योेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिल अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉमेसन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे किसान सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर थ्री टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है थर्टी ऑफ अगस्त टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फ़र्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज ही एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ गई एंड अभी फाइनली ये एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो है, है. तो है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जिसत्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवम्बर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की तो तो ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज़ देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली तो डेफिनेटली एक मरतबा तो एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स के अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जिसत्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवम्बर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरत तबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दे देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट like में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिल अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है थर्टी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद पच्चीस नवम्बर दो में सेकेंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद दो में मुंजिया देखने को मिली एंड दो में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट हैं एंड ये सारी मूवीज़ ही एक एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज़ देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से देख देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो वल तो जी श्रद्धा कपूर ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये एक स्टाइल एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मूवीज़ दी हैं और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा एंड इन्होंने अभी एक यूनिवर्स के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है ये आज से नहीं बल्कि साल दो से इनका काम स्टार्ट हो चुका था एंड अभी ये जो है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं बहुत सारी सीरीज़ भी हैं आप लोगों को बहुत कुछ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहा है इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दे चुके हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आज की इस वीडियो में मिलने वाली है जी हाँ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्त्री टू के बारे में यहाँ पर हम लोग इस मूवी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉमेसन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारे किस सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनबाद कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर थ्री टू के बारे में तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि इसका एक कंप्लीट यूनिवर्स अब बन चुका है तो इसका यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज़ शामिल हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्स की अगर हम नेम की ही बात करें तो मैडिक सुपर यूनिवर्स इस मूवी का नेम है जो कि आप लोगों को साल दो से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है थर्टी ऑफ अगस्ट टू थाउजेंड में आप लोगों को ये जो है वो इसकी फर्स्ट मूवी देखने को मिली थी जिसका नेम था जी स्त्री और आप लोगों को उसके बाद 25 नवंबर 2022 में सेकंड मूवी देखने को मिली भेड़िया जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है उसके बाद 2024 में मुंजिया देखने को मिली एंड 2024 में ही अभी स्त्री टू भी देखने को मिल चुकी है ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने जो देखने को मिली हैं ये सारी की सारी मेडक के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट है एंड ये सारी मूवीज़ ही एक, एक ही जॉनर रखती हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया गया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट तो की ही गई है आप लोगों के सामने रखी ही गई है जी हाँ यहाँ पर इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलती है वो है जी हॉर कॉमेडी ड्रामा जी हाँ हॉर हा, है एलिमेंट उसी के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकज त्रिपाठी अभिषेक बनर्जी अपार शक्ति खुराना और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को तो डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने कास्टिंग बता दी यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को हॉरर एलिमेंट होगा कॉमेडी होगी ड्रामा होगा ये सारा कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से देख देखने को मिल जाएगा इस मूवी के अंदर भी जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है जी अमर कौशिक ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की भी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है बाकी यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनमें स्त्री भेड़िया बाला आबा इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बाकी हम लास्ट में बात करते हैं कि यह कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिल अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को जाकर देख सकते हैं एमेज़ॉन प्राइम वीडियो